मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 जुलाई 2024 और यहां पे 19 जुलाई 2024 फ्राइडे। वीकेंड के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन याद रखिए, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप इन स्टॉक्स और लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में पेश है एसबीआई का। आपने देख ही रहा होगा और सिलेक्शन रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है। एसेंडिंग देखिए, ऊपर बढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन, ये दोनों मिला के बन गया एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो बाय और नीचे ब्रेक करता है तो सेल। क्यों? क्योंकि इसके पास अब स्पेस पहले बड़ा होता था, अब इसके पास स्पेस हो गया बहुत छोटा। देखिए कितना छोटा स्पेस हो गया है ना। तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ में अगर एसबीआई 896 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे। बाय 896, स्टॉप लॉस 890, 890 का लेके चलेंगे और टारगेट होगा 902 रुपये का, 902, दूसरा 908, 908 और तीसरा 914, 914 रुपये का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों। इस एरिया के नीचे 889 के बिलो सेल, बिलो 889 जो स्टॉप लॉस होगा वो 895, 895 रुपये का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में वो 883, 883 रुपये का होगा। दूसरा होगा 877, 877 का, और तीसरा 871, 871 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए दोस्तों। उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया एसबीआई। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। एसबीआई के अलावा जो अब सेकेंड स्टॉक आपके सामने में आ रहा है उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। चलिए चलिए, टाटा कंज्यूमर का हम लोग जल्दी से चार्ट समझ लें क्या है। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक वेज पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है और इस वेज पैटर्न में अब जो है स्पेस लास्ट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो या तो फॉल करेगा तेजी से या तो ब्रेकआउट करेगा फिर ऊपर की तरफ में। तो मान लेते हैं अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 1196 के ऊपर बाइंग करेंगे। बाय 1196, स्टॉप लॉस 1190 का रहेगा, 1190 का। टारगेट होगा 1202 रुपये, 1202 का। दूसरा टारगेट होगा 1208 रुपये, 1208 का। और तीसरा 1214 रुपये, 1214 का। इनकेस अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1187 के बिलो सेल, बिलो 1187। स्टॉप लॉस 1193 रुपये का लेके चलेंगे, 1193 का। और जो टारगेट होगा 1181, 1181, दूसरा 1175, 1175, और तीसरा 1169, 1169 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे दोस्तों तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस सेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक टाटा कंज्यूमर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ मैं बढ़ता हूँ, आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, उसका नाम है अरविंदो फार्मा। देखिए, ज़बरदस्त ब्रेक डाउन हुआ है आज अरविंदो फार्मा में। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो कल के लो जो यहाँ सस्टेनेबल प्राइस था उसके बाद जो क्लोजिंग को ब्रेक किया तो ज़बरदस्त फॉल किया। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। क्या है? बेयरिश फ्लैग बना रखा है ना। ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया, झंडा, उल्टा झंडा। तो अगर ये उल्टा झंडा का ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बाई तरफ जाएंगे 1343 के ऊपर। बाय 1343, स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 1336, 1336 का। और जो टारगेट होगा पहला 1350, 1350, दूसरा 1357, 1356, और तीसरा होगा 1364, 1364 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1332, 1332, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 1339, 1339। और जो टारगेट होगा पहला 1325, 1325, दूसरा 1318, 1318, और तीसरा होगा 1311 रुपये, 1311 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।